बगड़ी के पास भीलकुंडा तालाब में बगड़ी निवासी परिवार के लोग शनिवार को जलदेव की पूजा करने भीलकुंडा तालाब में पहुंचे थे। इस दौरान नाव में बैठकर बीच तालाब में पूजा करते समय नाव में पानी भर गया। जिस जगह यह घटना घटी वहां पानी ज़्यादा गहरा होने के कारण सोनू पिता कैलाश उम्र 35 वर्ष और भतीजा हिमांशु पिता संतोष उम्र 10 वर्ष की पानी में डूब गए थे, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद धार के एनडीआरएफ दल ने रेस्क्यू कर निकाला था। इस हृदय विदारक घटना में दोनों काका भतीजे की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त हादसे की सूचना के बाद से ग्राम बगड़ी व आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई थी। वहीं बालक हिमांशु श्री सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल बगड़ी का कक्षा 5वीं में पढ़ाई करता था। सोमवार की सुबह विद्यालय में छात्र छात्राओं स्कूल स्टाफ के साथ 5 मिनट का मौन धारण कर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बच्चा था हमारी क्लास 5 का हिमांशु नाम, उसके पिता का नाम श्री संतोष बावनिया, सरस्वती ज्ञान मंदिर बगड़ी का बालक था। बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो किसी कारणवश पूजा करने गया था भीलकंडा तालाब में अपने चाचा जी के साथ, तो वहाँ दुर्घटनावश नाव पलट गई और बच्चे और चाचा उसके डूबकर वहाँ काफ़ी देर तक डूबे रहे। 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने ढूंढा, तब वो पाया तो उनकी डेड बॉडी, शव को बाहर पानी से निकाला। और फिर ये इसका ये श्रद्धांजलि का और उसकी दुख की घड़ी के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का ये कार्यक्रम रखा है स्कूल में, और सभी बच्चों से श्रद्धांजलि फूल सुमन अर्पित करवाए। सभी टीचरों ने फूल सुमन बच्चे की शांति, आत्मा की शांति के लिए फूल अर्पित किए।